पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बीते साल भी स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए निगम भिलाई द्वारा कर्ज प्रदान किया गया था, जिसकी पूर्ण अदायगी के बाद एक बार पुनः दोबारा अधिक राशि का कर्ज देकर स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार समाप्त हो गए, जिसकी वजह से वे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स का कार्य करने लगे। ऐसे ही लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत केंद्र शासन के द्वारा की गई, जिसे हर प्रदेश के नगर निगमों के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित कर पहली बार में 10,000 रुपए का कर्ज दिया गया, जिसकी अदायगी लोगों ने बखूबी कर भी दी। और अब दूसरे चरण में स्ट्रीट वेंडरों के दोबारा मांग पर इन्हें 20,000 रुपए का कर्ज दिया जा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय को और बढ़ाकर अपने परिवार की स्थिति सुधार सकें। इसके लिए नगर पालिक निगम भिलाई के परिसर में भी आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है और उसे भरकर जमा किया जा सकता है, जिसके बाद प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी, तत्पश्चात कर्ज की राशि वितरण की जाएगी। इसकी जानकारी NULM की CEO अल्पना चंद्राकर ने ग्रैंड एशिया न्यूज टीम को दी है। ये पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, और ये कोरोना काल में जिन लोग स्ट्रीट का काम कर रहे थे, वेंडर्स का काम कर रहे थे, उनके लिए पीएम स्वनिधि के नाम से 10,000 का लोन प्राप्त हो रहा था। और प्रेजेंट में अभी जिन्होंने 10,000 का लोन भर चुके हैं, वो बैंक से NOC ला के सेकेंड मतलब 20,000 के लिए लोन प्राप्त कर ले रहे हैं, जिससे इनका जो व्यवसाय कर रहे थे वो अच्छे से ये कर सके, पैसे की कमी के कारण इनका व्यवसाय खराब ना हो, इसके लिए। और साथ में इनके पेटीएम और बीमा का भी प्रावधान इसमें है। इनके लिए इनका आधार लग रहा है, बैंक का पासबुक की फ़ोटो कॉपी लग रहा है, और कोई पहचान मतलब स्ट्रीट में काम कर रहे हैं या बैंक वाले भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बच्चे स्ट्रीट वेंडर है करके इनका वेरिफिकेशन किया जाता है। कोरोना काल ने तो हर वर्ग समुदाय की कमर तोड़ कर रख दी थी, परंतु इसका असर सबसे ज्यादा निचले स्तर और कमजोर तबके के लोगों पर ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में पीएम स्वनिधि योजना ने इनका हाथ थामा और इनका भी जीवन यापन सुचारू रूप से होने लगा। इसके लिए आज ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।